नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ समय डिजिटल लाइव न्यूज चैनल और मैं हूं विशन संक्रांति। खबर पाली राजस्थान से आ रही है। 22 अप्रैल को श्री क्षेत्रेश्वर जन कल्याणक महोत्सव है, जबकि इस बार 3 मई तक देश में लॉकडाउन है। ऐसे में राजपूत समाज पाली ने निर्णय लिया है कि 22 तारीख को लॉकडाउन के जरूरतमंदों को राशन सामग्री वितरण करेंगे। यही गुरुदेव का जन कल्याणक महोत्सव होगा। इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं पाली से राजपुरोहित सेवा समिति चीफ राजेंद्र सिंह जी राजपुरोहित। सर, 22 तारीख को पाली में क्या आयोजन होने जा रहा है? विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण की महामारी के चलते राजपुरोहित विकास समिति पाली की सोशल मीडिया के माध्यम से एक मीटिंग का आयोजन किया गया। विकास समिति के सचिव डॉक्टर चंद्रभानुजी तालकिया के अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में निर्णय लिया गया कि इस वर्ष जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले समस्त कार्यक्रमों को स्थगित किया जाता है। साथ ही संत क्षेत्रेश्वर भगवान ने अपने संपूर्ण जीवन को पुण्य और परोपकार के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने जीवन का एक एक पल परहित के लिए समर्पित कर दिया था। उनके जीवन मूल्यों और आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करते हुए, उन्हीं आदर्शों और मूल्यों को अनुसरण करते हुए इस वर्ष राजपुरोहित समाज का हर परिवार, अपने आस पड़ोस में रहने वाले जरूरतमंद परिवार, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय या वर्ग के हो, उन जरूरतमंद परिवारों तक राहत सामग्री प्रदान करके क्षेत्रेश्वर भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करेगा। साथ ही प्रातः 9 बजे 22 अप्रैल को नारियल ज्योत के साथ में पूरे परिवार एक साथ मिलकर के गुरु महाराज की आरती करते हुए उनके चरणों की वंदना करेंगे। साथ ही रात्रि 8 बजे अपने घरों पर दीपक जलाते हुए क्षेत्रेश्वर भगवान से इस कोरोना महामारी से मुक्ति हेतु विश्व कल्याण की कामना करेंगे। क्षेत्रेश्वर जन कल्याणक महोत्सव की सभी समाज बंधुओं को शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से एवं खेताराम जी महाराज से विनंती करता हूं कि हमारे पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को इस महामारी के प्रकोप से बचाए, यही मैं कामना करता हूं। धन्यवाद। जय जय क्षेत्रेश्वर गाए जा, चरणों में शीश झुकाए जा। राजपुरोहित समाज के परम आराध्य देव संत श्री क्षेत्रेश्वर भगवान की आप सभी बंधुओं को क्षेत्रेश्वर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय क्षेत्रेश्वर गाए जा, चरणों में शीश झुकाए जा। तुम्हें दिखाए छाकी ब्रह्म धाम की, इस मूरत को नमन करो ये मूरत ब्रह्म ज्ञान की। वंदे क्षेत्रेश्वर, वंदे क्षेत्रेश्वर, वंदे क्षेत्रेश्वर, वंदे क्षेत्रेश्वर। आओ बंधु तुम्हें दिखाए छाकी ब्रह्म धाम की, इस मूरत को नमन करो ये मूरत ब्रह्म ज्ञान की। वंदे क्षेत्रेश्वर, वंदे क्षेत्रेश्वर, वंदे क्षेत्रेश्वर, वंदे क्षेत्रेश्वर। क्षेत्रेश्वर रखवाली करता ब्रह्म धाम विराट है, वो जो ऊंचे मंदिर बैठा दुनिया का सम्राट है, दर्शन को नर नारी आते संतों का ये घाट है। जगह जगह ये हाट हाट है, यहाँ निराली ठाट है, देखो ये धाम है अपने गौरव के स्वाभिमान की। वंदे क्षेत्रेश्वर, वंदे क्षेत्रेश्वर, वंदे क्षेत्रेश्वर, वंदे क्षेत्रेश्वर। आते हैं जो भक्तगण है ना जुने हैं क्षेत्रेश्वर, जिसने जीवन धन्य बनाया क्षेत्रेश्वर के साए में, यहाँ ब्रह्मा का मंदिर खड़ा है क्षेत्रेश्वर के प्रयासों पर। जिसने काटा भव सागर अपने ही विश्वास पर, बोल रही है कण कण में भक्ति क्षेत्रेश्वर महान की। वंदे क्षेत्रेश्वर, वंदे क्षेत्रेश्वर, वंदे क्षेत्रेश्वर, वंदे क्षेत्रेश्वर। जन्म जन्म के पाप यहाँ पर क्षण में ही धुल जाते हैं, हर मन में है लगन लगी है, भक्त क्रांति भोला है।
ये प्याव है केतेश्वर की आज हमारी शान की, कर्म भूमि ये अवतारी केतेश्वर महान की। वंदे केतेश्वर, वंदे केतेश्वर, वंदे केतेश्वर, वंदे केतेश्वर। ये मत पूछो कहां कहां से आई है ये डोलियां, एक और है केतेश्वर और एक और है ब्रह्मा जी, आने वाले बोल रहे हैं श्रद्धा से ये बोलियां। यहाँ लगा दी मुकुंद ने भी समाधि अपने प्राण की, देखो केतेश्वर समाधि कितनी भव्य प्यारी है,